मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी लर्न अवर थर्ड चैप्टर संज्ञा। तो बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं? वह किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब मैं यहाँ एक छोटा सा अनुच्छेद लिखा है, इसे पढ़ती हूँ। इसमें जितने भी रंगीन शब्द हैं वह हमारे संज्ञा शब्द हैं। देखिए, एक दिन तनु बस्ता लिए स्कूल से घर लौट रही थी। अचानक उसकी नज़र एक खरगोश पर पड़ी जो झाड़ियों में फंसा हुआ था। अब देखिए, इसमें शब्द है तनु, बस्ता, स्कूल, घर, खरगोश, झाड़ियाँ, ये सब क्या है? संज्ञा शब्द। उसने आगे बढ़कर खरगोश को उठा लिया। तनु खरगोश को अपने घर ले आई। खरगोश घायल था। अम्मा ने डॉक्टर से उसका इलाज करवाया। खरगोश स्वस्थ हो गया। तनु को बड़ी खुशी हुई। अब तनु उसके साथ खेलती। अम्मा को उनका खेल देखकर प्रसन्नता होती और कभी कभी तो हंसी आ जाती। तो ऊपर दिए अनुच्छेद में हमने जो नाम दिए गए हैं वो सब क्या है? संज्ञा शब्द। देखिए, व्यक्तियों अथवा प्राणियों के नाम तनु, खरगोश, डॉक्टर, अम्मा। वस्तुओं के नाम बस्ता, झाड़ियाँ। जगहों के नाम स्कूल, घर। भावों के नाम खुशी, प्रसन्नता, हंसी। तो ये सभी नाम क्या कहलाएंगे? संज्ञा। तो संज्ञा क्या हुई हमारी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? शाहजहाँ ने आगरा में यमुना के तट पर सुंदर ताजमहल बनवाया। यहाँ शाहजहाँ, आगरा, यमुना, ताजमहल विशेष व्यक्ति, स्थान आदि के नाम हैं। तो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी के नाम को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी भी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी के नाम को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए, जातिवाचक। बंदर पेड़ पर बैठकर बच्चे को डरा रहा था। तुरंत अम्मा आई और बंदर को डंडा दिखाकर भगा दिया। तो अब यहाँ पर जो शब्द आए, देखिए, बंदर, पेड़, बच्चा, अम्मा, डंडा, संज्ञा शब्द वस्तु या प्राणी की पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, किसी एक का नहीं बल्कि पूरी जाति का। तो ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष वस्तु, स्थान, प्राणी का बोध ना कराकर उनकी पूरी जाति के बारे में बताते हैं तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा। बगीचे की हरियाली को देखकर मन प्रसन्नता से भर उठा और सारी थकान भी मिट गई। अब यहाँ पर शब्द देखिए, हरियाली, प्रसन्नता, थकान, ये शब्द भावों के बारे में बता रहे हैं। तो जिसमें हमारे भाव आते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे? भाववाचक संज्ञा। किसी के गुण, दोष, दशा, अवस्था और स्वभाव के बारे में बताने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। रजनी, सुरेश, महात्मा गांधी, अक्षय कुमार, रामायण। जातिवाचक संज्ञा, नदी, बकरी, समोसा, मरुस्थल, सागर। भाववाचक संज्ञा, सच्चाई, वीरता, सफलता, बुढ़ापा, ईमानदारी। भाववाचक संज्ञा बनाना देखिए। भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या क्रिया शब्दों से बनाई जाती है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, देखिए, जैसे जातिवाचक है बालक, तो भाववाचक बन गया बालपन, गरीब से गरीबी, दोस्त, दोस्ती, लड़का, लड़कपन, मनुष्य, मनुष्यता। सर्वनाम से देखिए कैसे बनाएंगे भाववाचक सर्वनाम, जैसे अपना है तो अपनापन, स्व से स्वत्व, आप से आपा, पराया से परायापन, मम से ममतत्व। विशेषण से, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना देखिए। विशेषण है जैसे लंबा, भाववाचक संज्ञा लंबाई, कायर, कायरता, अच्छा, अच्छाई, भूखा, भूख, स्वस्थ, स्वास्थ्य। और देखिए क्रिया से, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, हंसना से हंसी, पढ़ना से पढ़ाई, उड़ना से उड़ान, खेलना खेल, जीतना जीत। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव का नाम क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाता है। संज्ञा के कितने भेद? तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक व भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्रिया, सर्वनाम या विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती हैं।